हेलो गाइस, आई एम दिलीप कुमार विश्वास। वेलकम टू लर्न बाय टेनर। आज हम सब लाए हैं एक्सेल में डेटा वैलिडेशन। सबसे पहले मैं एक्सेल ओपन कर रहा हूँ। एक बार डेटा वैलिडेशन क्या है एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए डेटा वैलिडेशन कहाँ पर मिलता है। ये जो मेनू टैब है, ठीक है ना, ये सब जो टैब है डेटा में हम सबको मिलेगा डेटा वैलिडेशन। डेटा डेटा में डेटा वैलिडेशन आप सब देख सकते हो। यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हुआ है डेटा वैलिडेशन। इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, होल नंबर, उसके बाद है डिसीमेल, उसके बाद है लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स लेंथ और कस्टम। कस्टम मीन्स आप सब मैनुअली क्या लॉजिक लगाओगे, ठीक है ना। तो कस्टम तो आज हम सब जो डिस्कस करेंगे होल नंबर से लेकर टेक्स लेंथ तक डिस्कस करेंगे। मतलब जो कहने का मतलब है, आज जो डेटा वैलिडेशन जो डिस्कस कर रहे हैं एकदम बेसिक लेवल, बेसिक लेवल से हम सब क्या करेंगे एडवांस लेवल में जाएंगे। तो एक वीडियो में ये संभव नहीं है कवर करना, तो पार्ट बाय पार्ट हम सब वीडियो लाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले देखिए होल नंबर से शुरू करते हैं। होल नंबर देखिए आप सबको पता ही होगा कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग। मैं 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं, तो कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग में ये सब कंडीशन आप सब देखे होंगे। न्यू रूल्स में ये सब कंडीशन देखे होंगे, सेम कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है। बट वहां पर भी कंडीशन था, यहाँ पर भी सेम ही कंडीशन है। तो ये सब कंडीशन वहां पर कैसे लगाए थे, कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग में डेटा में लगाए थे। आज हम सब ये सब कंडीशन लगाएंगे ब्लैंक डेटा में, कोई डेटा नहीं है, ब्लैंक डेटा में लगाएंगे। मतलब आज जो डेटा वैलिडेशन का मीन्स है, डेटा वैलिडेशन की क्या बोलते हैं, डेटा वैलिडेशन मतलब होता है डेटा को रेस्ट्रिक्शन करना। हम सब कैसे डेटा को रेस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, जैसे मानिए बिटवीन ही है, बिटवीन से शुरू करते हैं। बोल रहा है मिनिमम, मिनिमम क्या दोगे, हम सब बोल रहे हैं ये जो कलम है ना, कलम में 5000, मिनिमम 5000 से मैक्सिमम 10000 हम सब लिख दिए कंडीशन। बिटवीन मतलब रेंज, इसी का बीच में एक कंडीशन लिख दिए, ठीक है, तो हम सब लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है सिलेक्शन, सिलेक्शन बिना कोई काम नहीं करता है, तो हम सभी को सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद डेटा वैलिडेशन में एक एक स्टेप बाय स्टेप हम सब क्लियर करते हैं। देखिए सिलेक्शन, मानिए इसी कलम में मुझे रेस्ट्रिक्शन लगाना है, एकदम एक का ऊपर कलम को, एंटर कलम को सिलेक्शन कर लीजिए। कैसे कर रहा हूँ, एक का ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो क्या हो गया मेरा एंटर कलम सिलेक्शन, जितना दूर कलम है पूरा एंटर कलम सिलेक्शन हो गया। अभी क्या करना है, डेटा में जाना है, डेटा में डेटा वैलिडेशन में जाना है। अभी इसमें देखिए सबसे पहले होल नंबर को क्लियर करना है। होल नंबर, नंबर मतलब पूरा डिजिट वैल्यू जो बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा कंडीशन है, पहले बिटवीन वाला ही कर लेते हैं। मानिए 5000 से हम सब बोल रहे हैं 10000 दे दिए, ठीक है ना, इसी में हम सब रेस्ट्रिक्शन दे रहे हैं, 5 से 10000 अंदर की टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो सुंदर सा मैसेज भी डाल सकते हो, इनपुट मैसेज यहाँ पर लिख सकते हो, प्लीज पुट या राइट जो भी लिखना है लिख दीजिए, प्लीज पुट 5000 to 10000, ऐसे हम सब लिख सकते हैं। ओके, अलर्ट मैसेज में भी दे सकते हो, एरर अलर्ट, जो मानो कोई नहीं लिख रहा है तो क्या मैसेज आएगा लास्ट में, हम सब बोलेंगे इन वैलिड, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम सब बोल दे इन वैलिड वैल्यू कर देते हैं, इन वैलिड वैल्यू बाय इन वैलिड नंबर, जो भी करना है आप सब कर सकते हो। ओके कर दे, ओके कर दीजिएगा। ओके जब भी करना है तो क्या होगा, कंडीशन लग गया। देखिए जो इनपुट मैसेज दिए थे, जब भी कर्सर को मैं यहाँ पर लेके जा रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली जो इनपुट मैसेज था ना वो डिस्प्ले हो रहा है, मेरे सामने बोल रहा है प्लीज पुट 5000 to 10000। अच्छा बात है, मैं 6000 दिए तो कितना सुंदर टाइप करने दे रहा है ना। अभी मानो मैं 12000 दे दिया हूँ, 10000 के ऊपर जब भी एंटर करेंगे तो क्या होगा, इनवैलिड वैल्यू मुझे एंटी करने नहीं देगा, देख रहे हैं ना। तो मैसेज आ चुका है, एरर मैसेज आ चुका है। तो यही है रेस्ट्रिक्शन, ऐसे ही हम सब कोई कलम में हम सब रेस्ट्रिक्शन कर सकते हैं। मानिए 5000 का नीचे कर दिया हूं, एंटर करके देखते हैं तो क्या होगा, वही मैसेज आएगा इनवैलिड वैल्यू। मतलब हम सब इसी कलम में क्या कर दिए, रेस्ट्रिक्शन डाल दिए। ऐसे ही होता है, हम सब होल नंबर में रेस्ट्रिक्शन डाल दिया हूं, ठीक है, नंबर वैल्यू या नंबर से रेस्ट्रिक्शन डाल दिए। इसमें भी देखिए होल नंबर फिर से एक बार क्लियर कर लीजिए, सिलेक्शन किया हूँ, कहाँ पर जाना है डेटा में, डेटा में डेटा वैलिडेशन, यहाँ पर सेटिंग में जाके होल नंबर ले लीजिए। होल नंबर में बिटवीन तो हो गया, देखिए और एक कंडीशन ले लेता हूँ, कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू, ए वाला ले लेता हूँ। दो कंडीशन है, मानो सपोज मैं 5000 दे दिया हूँ, तो कंडीशन से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम सब कंडीशन फॉर्मेटिंग में सब कंडीशन क्लियर किए थे। इक्वल टू मतलब बराबर, 5 या 5 मतलब ज्यादा, 5 या 5 से ज्यादा हम सब टाइप करने देंगे, अदरवाइज नहीं टाइप करने देंगे। 5000 के नीचे जब कोई टाइप करेगा तो टाइप करने नहीं देंगे,
मैसेज देना है तो मैसेज दे सकते हैं। तो अभी तो दिखाए मैसेज कैसे देना है, तो आप सब ऐसे मैसेज डाल सकते हैं, एरर मैसेज भी दे सकते हैं, ठीक है ना। एरर मैसेज में दे दीजिए, कोई गलत लिखेगा तो बोले बोलिएगा रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री, तो ऐसे मैसेज दे सकते हैं। ओके कर देते हैं बस। अभी देखिए मैं जब पन राजा लिख रहा हूं तो क्या बोले थे, पांच पांच या पांच से ज्यादा जब एंटर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेना जितना पांच का ऊपर जितना भी टाइप करोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट जब भी मैं 5000 का नीचे जब टाइप करेंगे तभी क्या होगा, रॉन्ग एंट्री, जो मैसेज दिए थे वो मेरा आ चुका है। तो यही है होल नंबर। तो नंबर नंबर से पता चल रहा है, सब वैल्यू होना चाहिए, फिगर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, तो ये कोई नंबर लगा के हम सब रेस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें जा रहा हूँ डेटा वैलिडेशन में, देखिए सेटिंग में जा रहा हूँ, तो ये होल नंबर है ना, होल नंबर जो कंडीशन है, कंडीशन तो आशा करते हैं आप सबको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक एक करके कंडीशन में क्लियर किया हूँ, यहाँ पर भी ऑलरेडी दो कंडीशन में क्लियर कर दिया हूँ, तो बाकी सब आप सब कर पाओगे, कोई दिक्कत होगा नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है। तो हाँ होल नंबर क्लियर हो गया। अभी हम सब जाते हैं उसका नीचे क्या है, डेसीमेल, डेसीमेल मतलब पॉइंट, पॉइंट जैसे मानिए मैं कर दिया 1.5, 1.5 से मैं कर दिया हूँ 4.5, इसी पॉइंट का अंदर कोई टाइप करेगा तो इनपुट टाइप करेगा तो करने देंगे, अदरवाइज करने करेगा नहीं तो क्या करेंगे, नहीं देंगे टाइप। तो यहाँ मैसेज डाल सकते हैं, इनपुट मैसेज देना है तो दे सकते हैं, आप सब लिख दीजिए पुट प्लेस 1.5 टू क्या दिए थे 3.5, जो भी देना है दे दीजिए, यही दिए थे ना, नहीं 4.5 दिए थे, तो हम सब दे देते 4.5, इसमें भी कर दीजिए, नहीं नहीं लिखेगा तो इसी इसी का अंदर लिखेगा तो ठीक है, और नहीं लिखेगा तो रॉन्ग एंट्री कर सकते हैं। ओके ओके क्या कर दीजिए, बस ये इनपुट मैसेज वाला आ चुका है, यहाँ पर हम सब करते हैं 2.6, देखिए हो रहा है क्योंकि इसी का बीच में है। अभी जब ये मानिए 9.8 कर दिए, जब ये एंटर करोगे तो करेगा नहीं, एंटर एंट्री करने नहीं देगा, क्योंकि हम सब इसकी इसी का अंदर नहीं टाइप किए थे इसीलिए नहीं दिया, तो हम सब क्या कर दिए, रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, क्लियर कीजिएगा रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। ओके तो डेसिमल भी आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा, डेसिमल कैसे लगाते हैं, डेसिमल भी आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन, जो कंडीशन फॉर्मेटिंग में सीखे थे वही कंडीशन है। तो डेसिमल हो चुका है, अभी देखिए क्या है लिस्ट। हाँ ये भी ये बहुत मजेदार चीज है, ये बहुत काम में आता है लिस्ट, लिस्ट मतलब ड्रॉप डाउन लिस्ट, हम सब लिस्ट बना सकते हैं। मानिए ऐसा कोई चीज है ना मुझे बार बार लग रहा है, तो बार बार मत कीजिए, तो मानिए कौन सा फॉर्म में भर रहा हूँ, वहां पर मुझे मॉर्निंग और इवनिंग मुझे टाइप करना पड़ता है, तो मैं टाइप नहीं करेंगे, एक बार लिख देंगे और सिलेक्शन करके रखे थे, मॉर्निंग और इवनिंग का क्या होगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगा। देखिए ओके जब कर दीजिएगा ना, देखिए ड्रॉप डाउन सब में ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया। मानिए अभी जब मुझे मॉर्निंग चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मॉर्निंग सिलेक्शन करना है, जब भी मुझे इवनिंग चाहिए तो क्या करना है, यहाँ पर यहाँ से इवनिंग सिलेक्शन कर लूंगा, तो मुझे टाइप करने का जरूरत नहीं है, कितना इजीली हम सब सिलेक्शन कर रहे हैं उसी से आ रहा है, ठीक है ना। तो मेरा काम कितना काम क्या हो गया, बहुत आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। तो यही है ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये तो ड्रॉप डाउन लिस्ट हम सब लिख के उसी में लिख दिए थे, या ड्रॉप डाउन लिस्ट आप सिलेक्शन करके भी कर सकते हो। मानो और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई इंप्लॉय का नाम मुझे बार बार टाइप करना पड़ रहा है, सचिन सौरभ ऐसे टाइप करना पड़ रहा है, ठीक है ना, सचिन सौरभ ऐसे कोई नाम मुझे बार बार टाइप करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप सब ऐसे लिख के रखिएगा, मानिए आपका पास ऐसा कोई डेटा है बार बार टाइप करना पड़ रहा है, तो ये भी हम सब बार बार क्यों टाइप करेंगे, इसका भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर सिलेक्शन कर दीजिएगा, कहाँ पर जाना है डेटा, डेटा के बाद कहाँ पर जाना है लिस्ट, लिस्ट ले लीजिएगा, उसका बाद क्या करना है सोर्स, सोर्स में क्या लेना है, ये वाला जितना बनाया था इसको सिलेक्शन कर दिया, बस ओके जब कर दिएगा, देखिए इसके ऊपर भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया। देखिए जब भी बटन में क्लिक करोगे देखिए उतना ही नाम है, जो नाम सिलेक्शन करोगे उसी नाम आप सब मिल जाएगा, सचिन चाहिए तो सचिन हो गया, राहुल चाहिए तो राहुल हो गया, मतलब इसी नाम के ऊपर हम सब ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दिए, तो इसी को लिस्ट को बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना। तो आशा करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट भी आप सबको क्रिएट हो क्लियर हो गया होगा। अभी देखते हैं और क्या है, डेटा में जाते हैं, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट भी हो चुका है, डेट, डेट में डेट को भी हम सब रेस्ट्रिक्शन में डाल सकते हैं, सेम कंडीशन, देखिए वही कंडीशन है, घुमा फिरा के वही कंडीशन लिखा हुआ है। तो बिटूनी मान लेते हैं, बिटूनी दे देते हैं, माने हम सब कर दिए 1/5/2019 से, माने इसी डेट से, और एक डाल देते 20
नहीं 20 नहीं, 19/5/2020 इसी डेट का बीच में हम सब टाइप करने देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे, अदरवाइज रॉन्ग डेट, ठीक है ना, बा इनवैलिड डेट, ऐसा आप सब लिख सकते हो, इनवैलिड डेट, ऐसा मैसेज डाल सकते हो, ठीक है। तो कंडीशन क्लियर हो गया, कंडीशन ही मेन है, कंडीशन क्लियर कर लोगे तो और कुछ है ही नहीं, सब तो मैनुअल लिखना है, जब लिख दोगे इसी का अंदर ही क्या कर दिया मैं, रेस्ट्रिक्शन डाल दिया 2019 से 2020 से कि हम सब डेट सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं सपोर्ट करेंगे। देखिए ओके कर देते हैं, देखिए जब भी हम सब लिख रहे हैं 2/2/2020, जब भी एंटर करोगे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसी का बीच में है। अभी 2/2/2022 मैं 22 कर दिया हूँ, सॉरी मैं 22 कर दिया हूँ, जब भी मैं एंटर करने का कोशिश करेंगे तो इनवैलिड डेट आ गया, ठीक है ना। जब भी इसका कम भी लिखेंगे तो वही इनवैलिड आएगा, देखिए एक बार मैं काम करके लिख देता हूँ 1900, ऐसा कर दिया, साल दे दिए, एंटर जब भी करोगे फिर भी वही रेस्ट्रिक्शन है, उसी का बीच में डेट टाइप करना चाहिए, तभी होगा अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो हम सब क्या कर दिए, डेट को भी क्लियर कर दिया, डेट को भी क्लियर कर दिया, बाकी देख लीजिएगा, बाकी सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन, जो कंडीशन आप बार बार मैं बोल रहा हूँ, जो कंडीशन आप सीखे वही कंडीशन है, कंडीशन फॉर्मेट में जो सीखे तो वही है, तो एक बार कंडीशन लगा लगा के देख सकते हैं। तो मैं और सब एक एक करके नहीं कर रहा हूँ, तो मोटा मोटी जो डेट कैसे यूज करते हैं, लिस्ट कैसे यूज करते हैं, वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अभी डेट हो गया, अभी टाइम, टाइम कैसे यूज करेंगे, टाइम को भी वही कंडीशन है, देखिए टाइम में भी सेम दिखा रहा है, टाइम में भी सेम दिखा रहा है, ठीक है। देखिए टाइम के लिए ना थोड़ा सा इसको पैटर्न को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, सिलेक्शन कर देते हैं कि वो टाइम हम सब कैसे लिखते हैं। देखिए फॉर्मेट सेल में जाइए, अभी थोड़ा सा टाइम को हम सब टाइम वाला पैटर्न डाल देते हैं, थोड़ा एक विंडो ओपन होगा, देखिए विंडो ओपन हो गया, कस्टम में जाइए, अब यहाँ पर ना टाइम जो है ना उसको लिखना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर है, ऑलरेडी है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर है आवर्स मिनट सेकेंड, इसी को ले लेता हूँ, आवर्स मिनट सेकेंड इसी को है, ठीक है। मानिए ऐसे आप दोगे, ऐसे करोगे तो 00 देखिए टाइम आ जाएगा, ऐसा टाइम, ठीक है। तो ऐसा टाइम हम सब देंगे, तो जो भी है अभी इसमें टाइम में भी कंडीशन लगाते हैं, सिलेक्शन डेटा वैलिडेशन, क्या लेना है टाइम, टाइम कहाँ गया टाइम, इसमें भी कोई से भी कंडीशन ले लीजिए, बिटवीन है तो बिटवीन ले लीजिए, गेटर देन है तो गेटर देन ले लीजिए, जो भी है आप सब ले सकते हैं, ठीक है। मानिए गेटर देन ही कर देता हूँ, गेटर देन मैं कर देता हूँ, अभी यहाँ पर दे देता हूँ, क्या देना है 5, 5 कर दे, 5 घंटा कर देते हैं, कोलोन दीजिएगा, 00 कर दीजिएगा, फिर कोलोन दीजिएगा, 5 घंटा और कोलोन सेकंड भी कर दीजिएगा, ठीक है ना, घंटा मिनट और सेकंड कर दिए। अभी इसको क्या करना है, एम करना है तो एम कर सकते हैं, एम का ऊपर 5, 5 का ऊपर है ना, अब पीएम करना है तो पीएम भी कर सकते हैं, जैसे आपका इच्छा, पीएम मतलब 5 घंटा का ऊपर, 5 घंटा का ऊपर हम सब टाइप करेंगे, या नहीं तो ग्रेटर देन इक्वल टू कर देते हैं, दो कंडीशन एक साथ आ जाएगा, ग्रेटर देन 5 घंटा के ऊपर या 5 घंटा, ठीक है, दो कंडीशन कर दिए, ये भी अच्छा है। तो देखिए ओके मैं किया हूँ, मैसेज देना है तो मैसेज दे सकते हैं, मैसेज देना है तो आप सब मैसेज दे सकते हैं, अभी ओके कर देते हैं। देखिए अभी हम सब लिखे 5 घंटा पीएम का ऊपर लिखना है, तो हम सब 7 7:00:00, ठीक है, तो हम सब एंटर करेंगे, देखिए एंटर जब भी किया हूं, 7 मतलब क्या कर दिया है, एम कर दिया, AM, ठीक है। देखिए फिर से कर रहे हैं, 7:00:00, अभी हम सब करेंगे PM, देखिए जब भी मैं PM किया हूं ऑटोमेटिकली 7 को क्या कर दिया, 19 कर दिया, देख रहे हैं ना कितना सुंदर किया है, 12 8 7 जैसे मेरा टाइम में यहाँ पर दिया हुआ है, मेरा सिस्टम में जैसे दिया हुआ है वैसे ही कन्वर्ट कर दिया, तो वही है ग्रेटर देन, जब भी करोगे उसका ऊपर करोगे तो सपोर्ट करेगा, जब भी लेस देन करोगे तो नहीं करेगा। 5 का नीचे मैं करके देखता हूँ, 4:00:00 फिर :00:00 PM, जब भी करोगे तो क्या होगा, नहीं करेगा, क्योंकि मैं 5 घंटा, 5 PM का ऊपर टाइप करने देंगे, 5 PM का नीचे हम सब टाइप करने नहीं देंगे, वही रेस्ट्रिक्शन लगाए थे। तो ये जो मैसेज आ रहा है, ये सब मैसेज हम सब का आ रहा है, ठीक है, मैसेज आ रहा है। अभी देखिए मैसेज को नहीं आना चाहिए, देखिए इसमें भी एक कंडीशन लगाते हैं, देखिए ध्यान से देखिए इसको क्या करना है, तो हम सब कंडीशन तो सेम ही है, रख देते हैं यहाँ पर जो एरर मैसेज है ना, इसको जो शो एरर अलर्ट ये जो दिखा रहा है इसको नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है, ओके कर देते हैं। अभी देखिए अभी आप गलत भी लिखोगे ना टाइप करने देगा, देखिए
घंटे का नीचे जो लिखे थे, अभी देखिए जो लिखे थे वही मैं टाइप कर रहा हूँ, जो लिखे थे वही मैं टाइप कर रहा हूँ, एंटर कर रहे, देखिए दे दिया है ना, टाइप करने के लिए दे रहा है, अभी जितना भी टाइप करोगे ना टाइप करने के लिए देगा। देखिए अभी फिर से इसमें पीएम किए, फिर भी टाइप करने के लिए दे रहा है। अभी एक बार 6 घंटा, एक बार कार्ड वाला भी दिखा देते हैं, ये तो देगा, ये मैं सही लिखा हूँ, पीएम कर देता हूँ तो ये तो देना ही चाहिए, तो दे रहा है अब। बट अभी मैसेज नहीं आ रहा है, रेस्ट्रिक्शन तो है बट मैसेज नहीं आ रहा है, ध्यान से थोड़ा क्लियर कीजिए ये वाला ऑप्शन, क्या बोल रहा हूँ, मैं तो रेस्ट्रिक्शन डाला हूँ फिर भी मैसेज क्यों नहीं आ रहा, फिर भी मुझे टाइप करने क्यों दे रहा है, क्योंकि मैं वो एरर मैसेज को क्या किया, 100 वाला को अनचेक कर दिए थे। अभी देखिए इसमें क्लिक करके ना क्या क्या गलत है मेरा, डेटा में जाइए, ये जो बटन है बटन में क्लिक कीजिएगा, अभी देखिए लिखा है सर्कल इनवैलिड डेट, सर्कल इनवैलिड डेटा लिखा हुआ है, ठीक है इसको क्लिक कर दिए, इसको हम सब क्लिक करते हैं, देखिए आप सब देख सकते हैं जो एरर में लिखे थे, जो गलत टाइम लिखे थे वो सर्कल में आ चुका है, बट थोड़ा सा मेरा मशीन थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया है, इतना टाइम लेता नहीं है, जो भी है देख रहे हैं ना, तो यही है सर्कल लगाना, यही है सर्कल लगाना, ठीक है जो भी है हम सब सर्कल सर्कल लगा दिए। अभी हम सब थोड़ा सा और आगे जाते हैं, ओके तो क्लियर हो गया होगा टाइम कैसे लगाते हैं, टाइम भी आप सबको क्लियर हो गया होगा। अभी डेटा में जाते हैं, डेटा में और क्या है देख लीजिए, और टाइम, टेक्स्ट, टेक्स्ट भी सेम चीज है, टेक्स्ट मतलब अल्फाबेटिकली लिखना जो होता है, टेक्स्ट को भी बिटवीन कर देते हैं, पास से मैं कर देता हूँ, कितना करना है 5 से 10 करेक्ट, बा या ये भी बिटवीन लेना है तो बिटवीन लीजिए, जो भी लेना है ठीक है 5 से 10 ही कर दो, बड़े क्या है कैरेक्टर लेटर, 5 से 10 लेटर ही हम सब टाइप करने देंगे, अदरवाइज नहीं करने देंगे, ठीक है। अभी मानो अभी लिखना है सचिन, ठीक है सचिन क्या लिखना है, सचिन तो आएगा नहीं, हम सब लिख देते हैं मिस्टर सचिन, तो क्या है 5 से 10 करेक्टर का अंदर ही है, देख सकते हैं, तो एंटर जब करोगे तो सपोर्ट करेगा, बट सिर्फ सचिन लिखोगे तो 5 से 10, ये भी ठीक है ना, ये भी सपोर्ट करेगा, देख सकते हैं, बट हम सब जब सचिन तेंदुलकर लिखेंगे जब क्या होगा 9, 8, 6, 15, 5 से 10 मतलब 10 से ज्यादा हो गया, ठीक है ना, 5 से 10 का बीच नहीं है, जब एंटर करोगे तो लिखने नहीं देगा, देख रहे हैं एरर मैसेज आ चुका है, एरर मैसेज आ चुका है तो लिखने नहीं दे रहा है, ठीक है ना, तो यही है टेक्स्ट, तो यही है टेक्स्ट, तो देख रहे हैं हम सब ऊपर से लेके होल नंबर डेसिमल लिस्ट डेट टाइम टेक्स्ट लेन क्लियर कर दिए। अभी है कस्टम, कस्टम तो हम सब सेकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे, कस्टम मतलब मैनुअली, इसमें और एडवांस लेवल का लॉजिक लगा सकते हैं, जैसे मानिए अभी मैं बोल रहा हूँ सचिन, ठीक है ना, सचिन लिखना है, सिर्फ सचिन का क्या होना चाहिए, मानो सिर्फ मैं सचिन ही लिखने देंगे और कुछ नहीं लिखने देंगे तब कैसे होगा, ठीक है सिर्फ सचिन लिखोगे तभी होगा, अभी तो मानो सौरभ भी लिखेंगे तो सपोर्ट कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ सचिन ही लिखने देंगे और कुछ नहीं लिखेंगे, सचिन कोई लिखेगा तो तभी सपोर्ट करेगा अदरवाइज नहीं करेंगे, तो ये सब कैसे करेंगे, तो यही है लॉजिक, लॉजिक लगा लगा के करेंगे, तो यही है कस्टम, तो कस्टम तो समझ में आ गया होगा, कस्टम मतलब मैनुअली लगाना, ठीक है।